के कलमा चौक का, जहाँ से हमारे नुमाइंदे जुबैर साजिद ढिल्लों हमारे साथ मौजूद है। जुबैर बताइएगा आपकी एनर्जी कितनी है इस वक्त, आप कलमा चौक में मौजूद हैं और शायकीन वहाँ से जो आ रहे हैं कितनी बड़ी तादाद है जो इस वक्त कलमा चौक से कजाफी स्टेडियम की तरफ अभी भी आ रही है? उमेर देखें, सिटी बजने में सिर्फ दो घंटे से भी कम वक्त जो है वो रह गया है। 7 बजे पूरे कजाफी स्टेडियम में मैच शुरू हो जाएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कलमा चौक, जो मेजर एंट्री पॉइंट है लिबर्टी की तरफ। मेरे अकब में जो बैरियर लगे हुए हैं, ये इन बैरियर के जो जरिए जो है वो लोग आ रहे हैं और सुबह से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन 2 बजे का वक्त दिया गया था बैरियर ओपन करने का, उससे पहले भी रश था। 2 बजे के बाद लोगों की बड़ी तादाद जो है जहाँ से आना शुरू होगी, सख्त सिक्योरिटी के असार में लोग कुछ शटर सर्विस के जरिए जा रहे हैं, कुछ जो है पैदल जो है वो जा रहे हैं। अभी तक ये सिलसिला जारी है। मेरे साथ एक छोटा सा बच्चा भी मौजूद है जो यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं क्या जोश व खरोश है। अच्छा बताएं, आप वर्ल्ड 11 का भी मैच देखने आए थे इससे पहले और आप दोबारा आ गए हो, यार इतने पैसे आपके पास होते हैं टिकट्स के, क्या जोश व खरोश है मुझे बताओ जरा? इसका मुझे तो नहीं पता, ये तो मैं चाचू फोर्ड करते हैं। क्या श्रीलंका टीम को पैगाम दोगे बताओ मुझे जरा, कैसे वेलकम करोगे? मैं श्रीलंका टीम को बहुत अच्छा कहता हूँ कि बहुत अच्छी टीम है, और मैं बाकी टीम्स को भी कहना चाहता हूँ कि बाकी टीम्स भी आए और यहाँ लाहौर में खेले, बल्कि पूरे पाकिस्तान में खेले। से जो टीम जिस टीम पर हमला हुआ था वो टीम आई है, जिस टीम पर हमला नहीं आया उस टीम को डेफिनेटली आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। मेरे साथ और शायकीन मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या जोश व खरोश है, कहाँ से आए? अच्छा कहाँ से आए आप? गुजरांवाला से मैच देखने आए, बड़ा जबरदस्त क्राउड अंदर है, आप बेचैन हो रहे होंगे अंदर जाने के, क्या मैसेज देंगे श्रीलंका टीम को, बाकी टीमों को क्या कहेंगे? माशाल्लाह वैसे तो हम विन कर गए हैं, तो अब बकाया ये है कि इंशाल्लाह उनको हम मोहब्बत देने के लिए, प्यार बटाने के लिए उनके लिए हम आए हैं कि वो हमारे मुल्क में आए। आपको पता था पिछली दफ़ा जो मसला हुआ था, और अच्छा आप बताएं आप कहां से आए हैं और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कजाफी स्टेडियम की रौनकें बहाल हो रही हैं, पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रहा है, आप किस जोश व जज्बे से आए हैं? जी लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि इनकी वजह से, इनको जब टारगेट किया गया था इनकी वजह से हमारी क्रिकेट बैन हो गई थी, और इनकी वजह से ये इनका शुक्र हम गुजार करते हैं, इनका वेरी थैंकफुल कि इन्होंने दोबारा वापस आए और पाकिस्तान और दुनिया भर को बताया कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो गई। एक ज़बरदस्त नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने देखा मैं लोगों में कितना जोश व खरोश है, कोई गुजरांवाला से आ रहा है, कोई शेखपुरा से आ रहा है, कोई इस्लामाबाद से आ रहा है, कोई बलोचिस्तान से आ रहा है, कोई केपी से आ रहा है, और कोई जो है पाकिस्तान भर के जितने सूबे हैं, आज़ाद कश्मीर है, ना सिर्फ पाकिस्तान भर के दीगर ममालिक से भी लोग जो है चौक दर चौक जो है कजाफी स्टेडियम की तरफ आ रहे हैं, वो इस इंतज़ार में हैं कि जल्दी से जो है वो 7 बजे और वो मैच का आगाज़ दे सकें। और एक बड़ी खुशखबरी ये थी कि जैसे हमने अब हम सब ने सुना कि थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, उसमें बड़ी खूबसूरत खुशखबरी दी गई कि अन करीब श्रीलंका टीम दोबारा पाकिस्तान आएगी। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। हाँ अगर वो दोबारा पाकिस्तान अन करीब आती है तो दोबारा पाकिस्तान में क्रिकेट इंटरनेशनल बहाल होगी, और यकीनन मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट बहाल होगी नहीं बल्कि हो चुकी है, क्योंकि हमने वर्ल्ड 11 की सीरीज देखी, उसके बाद पहले हमने पीएसएल के मैचेस देखे, हो चुकी है। जुबैर साजिद ढिल्लों हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे हम इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। जुबैर आपको मैं ये बात बता दूं कि हम यहाँ पर आपको मिस कर रहे हैं, चूँकि आप कलमा चौक पे मौजूद हैं और हम लिबर्टी राउंड अबाउट से थोड़ा सा आगे कजाफी के एड्रेस में मौजूद हैं, तो आपकी कमी यहाँ पे महसूस हो रही है।